अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ फर्स्ट एड। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि फर्स्ट एड है क्या चीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन। डिफिनेशन में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट एड हम किसे कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पर्पस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम फेसेस ऑफ फर्स्ट एड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देख लें कि डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड क्या है, तो फर्स्ट एड का क्या मतलब है। फर्स्ट एड का मतलब है कि पहले जो एड दिया जाएगा बिफोर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाने से पहले जो हम एड देते हैं, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट temporary care given to a victim of an accident or sudden illness before the services of a physician is obtained. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो care, ठीक है, वो care जो temporary हो, temporary का मतलब ये है कि एक specific time के लिए हो, permanent नहीं हो, और वो दिया जाता है किसको? एक victim को। victim किसे कहते हैं? विक्टम कहते हैं उस बंदे को जो बीमार हो गया है या किसी को इंजरी हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विक्टम कहते हैं। तो जब भी टेम्प्ररी केयर या इमीडिएट केयर उस विक्टम को दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, ये एक्सीडेंट या सडन इलनेस में दिया जाता है और बिफोर द सर्विसेज ऑफ द फिजिशियन इज ऑब्टेन। फिजिशियन की सर्विसेज से पहले जो केयर दिया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। अच्छा, एक और बात, फर्स्ट एड हम कब देते हैं? फर्स्ट एड जो है ना, वो ऑन द फील्ड होता है। ऑन द फील्ड का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट में उसको क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इस बंदे को जो है ना हॉस्पिटल क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि टू स्टॉप दी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो वो बंदा वहाँ मर जाएगा। ठीक है, उसको क्या हो जाएगी? उसको हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये शॉक के कुछ टाइप्स है। ठीक है, तो हेमोरेजिक शॉक भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ क्या है? ये हमारे पास है फर्स्ट एड देना, कि अगर ऑन द फील्ड जो है ना, उस वक्त इमीडिएटली अगर आप एक केयर देते हैं एक विक्टिम को, तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। अच्छा, अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड। ये पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड में हमारे पास तीन पॉइंट्स है, लेकिन ये थ्री पॉइंट्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द फर्स्ट एड। पहला पर्पस हमारे पास ये है कि टू सेव द लाइफ। लाइफ का क्या मतलब है? कि किसी ज़िंदगी को बचाना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एड, मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एड हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, तो फर्स्ट एड हम दे सकते हैं कहाँ पे? फर्स्ट एड हम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर जलजला आ गया है, और जलजले की वजह से कुछ लोग जो है ना, वो मलबे के नीचे धंस गए, तो वहाँ पर हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। अगर कोई फायर सिचुएशन है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर कोई क्या कहते हैं उसे, कार एक्सीडेंट वगैरह है, क्लियर हो गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो ट्रॉमा से रिलेटेड है, मतलब ट्रॉमा का क्या मतलब है? कुछ हादसा वगैरह। अगर हम नॉर्मली बात करें तो मिसाल के तौर पर किसी बंदे के गले में कुछ फंस गया, तो उसी भी हमने क्या करना है? फर्स्ट एड देने है, क्योंकि अगर उसकी ट्रेकिया में कुछ चीज़ जो है ना वो पंस जाए, तो उससे क्या होगा? उसे हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है? कि ऑक्सीजन की तादाद बॉडी में कम हो जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता, क्लियर। तो उस ब्लॉकेज की वजह से क्या हो सकता है? उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकती है या हो सकता है, क्लियर हो गया। तो रेस्पिरेटरी फेलियर को बचाने के लिए हमें क्या करना है? उसको फर्स्ट एड देना है, क्लियर। और उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी यूज़ होते हैं, जब हम इसको हम चॉकिंग कहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई जो है ना आपके
बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो है ना वो डॉलर को अपने मुंह में डाल के उसको क्या हो जाता है, वो उस वहाँ पे फंस जाता है। तो इसको जो है ना सेव द लाइफ, अब जिंदगी को बचाना है, हमने क्या करना है, हमने लाइफ को बचाना है विद द इमीडिएट केयर। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे है टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अगर आप एक लाइफ को बचा नहीं सकते तो आपने उस इंजरी को वर्स नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक एरिया है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, क्लियर? तो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर भी होगा और मल्टीपल इंजरीज भी होंगी, मल्टीपल इंजरीज। तो अगर आपको नहीं पता कि फ्रैक्चर वाले बंदे को हमने किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है और आप उसको फिर जो है ना उसको कंधे पे उठा के ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो आप उसकी इंजरी को क्या करेंगे, और भी वर्स करेंगे, और भी ख़राब करेंगे। तो अगर आप एक चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो उसको ख़राब करने की कोशिश भी ना करें। हमने इंजरी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ताकि वो इंजरी बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर ब्लीडिंग है, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता कि हमने ब्लीडिंग को किस तरह से स्टॉप करना है, तो आपने खुद से ही इस तरह के मैयर्स नहीं लेने जिससे जिससे क्या हो, वो इंजरी और भी ख़राब हो जाए। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी हमारे पास क्या है, टू प्रिजर्व द वेटेलिटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड टू प्रोमोट रिकवरी। मिसाल के तौर पर आपका जो है ना हैंड फ्रैक्चर हो गया है, हैंड फ्रैक्चर, और हैंड फ्रैक्चर जो है ना ये फ्रैक्चर हमारे पास है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का क्या मतलब है, जिसमें हमारे पास स्किन जो है ना वो रैप्चर हो जाए, क्लियर? जो स्किन जो है ना वो उसमें कट्स आ जाए और उससे क्या हो, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो, क्लियर? तो जब भी यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो मेन चांसेस क्या होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बैक्टीरियाज हमारे पास अटैक करेंगे और उस बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, टू प्रिजर्व द वेटेलिटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड टू प्रोमोट रिकवरी। हमने इस तरह के मेजर्स लेने हैं कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया कि अगर हम इसको ठीक नहीं कर सकते तो हमने इसको और ख़राब करने से बचाना है। तो इन्फेक्शन जो है ना वो एक मेन कॉज ऑफ डेथ है, कि मिसाल के तौर पर एक इंजरी हो गई है तो उस इंजरी में क्या होगा, उस इंजरी में इन्फेक्शन होगा, उस इन्फेक्शन की वजह से सारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर वो उस बीमारी की वजह से मर सकता है, क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्पस ऑफ फर्स्ट एड कहते हैं, कि फर्स्ट एड के हमारे पास मकासद क्या है, हमने क्या करना है फर्स्ट एड में। अच्छा, अब आ जाते हैं रिलेटेड टू दी फेजेस ऑफ फर्स्ट एड। फेजेस ऑफ फर्स्ट एड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ एड, दूसरा है हमारे पास असिस्टेंस फ्रॉम ए कंपेनियन, तीसरा है हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एंड चौथा है हमारे पास इनिशियल सर्जरी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये 4 पॉइंट जो है ना इसमें सारा डिटेल मतलब इसमें है। सेल्फ एड का क्या मतलब है, सेल्फ एड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है और वो फर्स्ट एडर है। अब मैं यहाँ पे एक मिनट एग्जांपल ले देता हूँ। मिसाल के तौर पर वही एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि बम ब्लास्ट हो गई है, तो बम ब्लास्ट में आपने क्या करना है, सेल्फ एड देना है। सेल्फ एड का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को खुद एड दे सकते हैं तो ठीक है, या मतलब आप खुद के जरिए जो है ना क्या कर सकते हैं, दूसरों को अकेले में क्या कर सकते हैं, एड दे सकते हैं, तो ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने अपनी ही लाइफ का भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर बम ब्लास्ट हो गई है और एक पेशेंट जो है ना, पेशेंट वो क्या है, वो एक दुकान के नीचे क्या है पड़ा हुआ है, और अगर आप वहाँ पे देखेंगे नहीं और डायरेक्टली वहाँ पे पेशेंट के पास जाएंगे तो आपको भी इंजरी हो सकती है, हो सकता है कि किसी दुकान का मलबा जो है ना वो आपके ऊपर भी गिर सकता है, या वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उससे आपको शॉक भी लग सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ एड है।
अच्छा, दूसरा है हमारे पास असिस्टेंस फ्रॉम ए कंपेनियन। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका जो वेट है ना वो है 200 kg, क्लियर, और आपका जो वेट है वो है 60 kg, क्लियर। तो अगर आपने इसको रेस्क्यू करना है, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप अकेले में इसको रेस्क्यू कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्लियर हो गया। तो रिमेंबर वन थिंग, असिस्टेंस फ्रॉम ए कंपेनियन। कंपेनियन किसे कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। कि आपने दूसरे बंदे से क्या करना है? हेल्प लेना है, अकेले ही सब कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कैजुअलिटीज़ का मतलब ये है कि कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया है और वहाँ पे पेशेंट की तादाद जो है ना वो क्या है, वो ज़्यादा है, और आप अकेले हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने कंपेनियन से हेल्प लेंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पर वन फर्स्ट एडर है, एक फर्स्ट एडर है, और पेशेंट जो है ना वो 50 पेशेंट्स है। तो क्या आप अकेले में जो है ना इस 50 पेशेंट्स को कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो असिस्टेंस फ्रॉम दी कंपेनियन। अच्छा, तीसरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने ब्लीडिंग का जो है ना एग्जांपल दी, कि ब्लीडिंग में हमने क्या करना है, आपने वहाँ पे प्रेशर लगाना है ताकि वो क्या हो, जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, क्लियर हो गया। इसकी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की जो है ना नाइफ़ वगैरह से या छुरी वगैरह से जो है ना उसको इंजरी हो गई है, और वो जो नाइफ़ वगैरह है वो उसके अंदर ही है, या मिसाल के तौर पर पेट के अंदर है या हाथ के अंदर, उसमें वो जो है ना वो पंसी हुई है। तो फिर आपने क्या करना है, उसको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस नाइफ को रिमूव करेंगे तो उसको जो है ना और भी जो इंजरी है ना वो वॉर्स हो सकती है, क्लियर। तो आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है जो भी कंडीशन हो। अच्छा, लास्ट जो है हमारे पास है इनिशियल सर्जरी। इनिशियल सर्जरी का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर कोई ट्रॉमा वगैरह हो गई है, ये मोस्टली इनिशियल सर्जरी जो है ना ये ट्रॉमाज में यूज़ होते हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कट्स वगैरह लगे हैं, और उस कट्स में क्या करना है आपने, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम प्रेशर डालते हैं, मतलब गॉस के ज़रिए, और इसको हम प्रेशराइज करते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर ये प्रेशर से नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, स्टिचेस, स्टिचेस के जरिए हमने उसको स्टॉप करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल सर्जरी। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड आपने सिंपली ये बताना है कि हॉस्पिटल या फिजिशियन के इलाज से पहले जो केयर, जो टेम्प्रेरी केयर हम प्रोवाइड करते हैं एक विक्टिम को, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, क्लियर। पर्पस हमारा क्या होगा, फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं? फर्स्ट एड हम इसलिए देते हैं कि हम एक जिंदगी को बचा लें। दूसरा हमारे पास फर्स्ट पर्पस ये है कि हम क्या करें, टू प्रिवेंट द फर्दर इंजरी, इंजरी को ख़राब ना करें और इन्फेक्शन को स्टॉप करें। फेजेस क्या होंगे? फेजेस में सेल्फ एड है, हेल्प फ्रॉम द कंपेनियन है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, और इनिशियल सर्जरी। तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दी फर्स्ट एड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फर्स्ट एड रूल्स एंड प्रिंसिपल, कि अगर आपने फर्स्ट एड देना है तो कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन का ख्याल रखना है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।